अगला है से सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय
नपुंसकलिंग शब्द है तो सेवमानंत जहां उनका प्रयोग करेंगे ही नहीं, अलग से होगा जो उदाहरण आएगा जो बताएंगे आपको। अब देखिए इसे वर्ड क्या है, वृद्धा तुम ने सूत्र वृत्त का प्रसारण सूत्र का प्रयोग कर दिया, क्या बन गया वर्तमान है। मुद धातु में लगा दिया क्या बन गया मोदमान है, समझ आ गया। वैसे ही कंप धातु में लगा दिया तो क्या बन गया कंपमान है। प्रकाश धातु में लगा दिया तो क्या बन गया प्रकाशमान है। त्रय धातु में लगा दिया तो क्या बन गया त्रायमान है। और रम धातु में लगा दिया तो रममान है। ईक्ष धातु में लगा दिया तो क्या बन गया ईक्षमान है। इस प्रकार से आपको स्मरण करना है राम रमा और फलवर इनके सारे सूत्र के रूप चलते हैं, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब समझ में आ गया क्षत्रिय और सारे सूत्र प्रत्यय हैं, कदंत के प्रत्यय हैं और मतु प्रत्यय है। मतु प्रत्यय के अंदर भी मत बचता है, मतु प्रत्यय के अंदर क्या बचता है केवल शेष मत। बाद में बताया जाएगा, पहले ही उदाहरण